लड़के के बाप ने डिमांड की थी, चार पहिया वाहन लिया था। लड़का गाड़ी चला के ले जा रहा है 100 से ऊपर स्पीड में। पत्नी ने कहा कि महाराज गाड़ी धीमे चलाइए, अगर कोई रोड क्रॉस करने वाला आ गया तो हादसा हो जाएगा। वो कहने लगा चुपचाप बैठ, सभी को मालूम है कि साहब जी की गाड़ी आ रही है, साहब जी की गाड़ी आ रही है। आगे चल के क्या देखा कि एक बेचारा अपाहज व्यक्ति जिसके पैर दोनों खराब थे, बेचारा जमीन के बल चलता हुआ रोड क्रॉस कर रहा था। पत्नी एकदम चिल्लाई, महाराज गाड़ी कंट्रोल करिए, गाड़ी कंट्रोल करिए, गाड़ी कंट्रोल करिए, रोड क्रॉस करने वाला रोड क्रॉस कर रहा है। उसने जैसे तैसे गाड़ी तो कंट्रोल कर ली, लेकिन क्या किया, उतर करके उसने उस अपाहज व्यक्ति के गाल में दो थप्पड़ मार दिए। दिखाई नहीं देता तुझे गाड़ी आ रही है? अब अपाहज व्यक्ति तो हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई। पत्नी को क्रोध आया, उसने अपनी बेग से 500 का नोट निकाल कर उस भिखारी को दे दिया। अपाहिज था। पति कहने लगा, तेरा दिमाग खराब है, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के मान बढ़ा दिए। पत्नी कहने लगी, बकवास बंद करिए, वो तो बेचारा तकदीर का मारा है, भगवान ने उसके हाथ छीन लिए हैं, तब वो मांगता फिर रहा है इधर उधर, तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है। अरे तुमने, तुम्हारे बाप ने मंडप के नीचे बैठकर की मांगा, 10 लाख कैश लिए, गाड़ी ली, सामान लिया, तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है। इसलिए याद रखना प्यारे, अगर आप अपने बच्चे की शादी डिमांड से कर ली, बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, तो बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, बेटियों को पढ़ाने में मेरी माता डरे नहीं, बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। साथ साथ में उन बहनों से, उन बेटियों से भी कहना चाह रही हूं, घर से बाहर कदम रखने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना, ये पैर तुम्हारा कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा अग्नि में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा कुएं में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा खाई में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन, ऐसा काम करके देखा ना, तुम्हारा बूढ़ा बाप, तुम्हारा गरीब पिता 1000 की भीड़ में बैठकर छाती ठोक करके कहे, वो मेरी बेटी नहीं, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके देखा ना, क्योंकि बड़े दुख के साथ में हमें कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारी बहनाएं रास्ता से भटक रही हैं, रास्ता से भटक रही हैं। गलियों के जो कुत्ते घूम रहे हैं ना, उनके बहलाने फुसलाने में आ रही हैं। निवेदन है मेरी बहन, पहले द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया था, पहले लेकिन आज कन्हैया नहीं आएगा। कन्हैया का इंतजार मत करना, तुम्हें स्वयं में सतर्क रहने की जरूरत है। उठो, द्रौपदी वस्त्र संभालो, आज की द्रौपदी से, आज की बहन से कह रही हूं मैं, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद आएंगे, वो अब गोपाल आएंगे। तुम्हें अपने आप में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। आजकल आप देख भी रहे होंगे न्यूज क्या चल रहा है, प्यार के झांसा में लेकर बेटियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कहना उन दुष्टों से कहना चाहूंगी, ध्यान रखना, अगर तू किसी बहन के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी की बहन के पीछे पड़ा है, तो पीछे मुड़कर देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। अगर तू किसी की बहन के पीछे पड़ा है, तो पीछे मुड़कर देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। इसलिए अपनी मानसिकता को संभाल,
समझदार के लिए इशारा काफी है। बहनाएं आगे बढ़े, पढ़े आगे बढ़े, किसी क्षेत्र में कम नहीं है आप। माता पिता से कहना चाहूंगी बेटियों के हुनर को ना दबाएं। कुछ लोग ये है ना कहते हैं अरे भैया जमानो खराबे है, लली गई पापा हम पढ़नो चले घर में बैठ बर्तन ही साफ करना है तो चौकाई लगानो है। ये हमारी निकृष्ट सोच है कि हमें चौका लगाना है। कौन कहता है हमें चौका लगाना है? है? ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी तुक्ष बुद्धि है, निकृष्ट सोच है जो आप कह रहे हैं कि बेटियों को बर्तन साफ करने हैं, बेटियों को सिर्फ चौका लगाना है। अरे प्यारे इतिहासों को पढ़ करके देखिए बेटियों ने क्या नहीं किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कुल को चलाता है बेटा तो तीन तीन कुल को बचाती है बेटियां। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, समझदार का इशारा काफी है। अब आगे बढ़ते हैं कथा में।